चौराई नगर में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पेच डैम के गेट खुलवाने नगर पालिका परिषद चौराई के जल कार्य सभापति महेंद्र वर्मा ने पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से वर्मा ने चौराई नगर पालिका की पेयजल व्यवस्था की स्थिति से पूर्व विधायक को अवगत कराया। सभापति ने पूर्व विधायक को बताया कि कल से झिलमिल पेच नदी का जल स्तर अत्यधिक कम हो गया है, जिसके कारण नगर पालिका के इंटक वेल की पेयजल सप्लाई मोटर कल रात से बंद है, जिस वजह से चौराई नगर में पानी नहीं पहुंच पाया है, जिस कारण आज नगर की पेयजल व्यवस्था लड़खड़ा गई है। अगर आज जल संसाधन विभाग से पेच डैम के गेट खुलवाकर पेच नदी का जल स्तर नहीं बढ़ाया गया तो चौराई नगर में पेयजल की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नगर के पेयजल संकट को गंभीरता से लेते हुए पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अधिकारी से मोबाइल पर चर्चा कर पेयजल की समस्या से अवगत कराया और पेच डैम के गेट खुलवाने हेतु निर्देशित किया। तब जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद चौराई का पत्र भी मुझे प्राप्त हो गया है, जिस पर जल्दी से जल्दी पेच डैम के गेट खोलने की तैयारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि पेच नदी का जल स्तर बढ़ सके और नगर पालिका परिषद चौराई की आम जनता पेयजल प्राप्त कर सके। चौराई से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए संयुक्त रूखे की रिपोर्ट।